रोकेंगे इनको थोड़ा। बस हो गया। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। सर मुद्दे तो कई सारे हैं, तो ज़्यादा रहता है कि जनता को छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं। एक अच्छी गवर्नमेंट होगी तो जनता की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, थोड़ी उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी। इसीलिए हम एक वोट दे के आए ताकि अच्छी गवर्नमेंट आए, लोगों के मसले मसाइल हल। रामबन के कई सारे मुद्दे हैं, यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कुछ देखा जा रहा है कि सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, कि एक प्रोजेक्ट आया था नेशनल प्रोजेक्ट जैसे बगलिया डैम का, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आया नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो हम होप कर रहे हैं कि फ्यूचर में और अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँ तो एम्प्लॉयमेंट मिले और लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो। तो ये देख सकते हैं ये एक बड़ा ही ख़राब जोन है, अगर रोड के हिसाब से देखा जाए कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो हॉस्पिटल की कंडीशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए उस रोड को देखते हुए। हर दिन आप देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और फैसिलिटीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एक हमारी भी उम्मीद रहेगी कि गवर्नमेंट आएगी और यहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। इस जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो एज रेगुलर जैसे पहले इलेक्शन होते रहे वैसे ही होते रहे। थोड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि अब जनता थोड़ी अवेयर हो रही है अपने वोट्स को लेकर, अपने वोटिंग राइट्स को लेकर, अपनी वोट के पावर को लेकर। बड़े इंतज़ाम थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, बड़े अच्छे से कॉपरेट करते हैं और गाइड करते हैं। कुछ लोग जैसे कम समझ वाले होते हैं उनको भी बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। कोई भी होती है जनता तय करती है, क्योंकि अब तो हमारा एक ही काम है कि मतदान पर पहुंच के भारी संख्या में मत करें, मतदान दें और अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अपने मत का इस्तेमाल करें। जो वोट है वोटर जागृत है, समाज का हर एक वर्ग चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति पंथ धर्म का क्यों नहीं हो, वो खुलकर सामने आए। कोई भी वोटर्स घर में न, माताओं बहनों युवाओं नौजवान बेरोजगार युवाओं और बुजुर्गों से भी निवेदन है कि अपने मत का इस्तेमाल करें और पोलिंग बूथ की तरफ आएं। बाकी जो जनता तय करती है वो सर्वोपरि है। लोकतंत्र की इस प्रणाली में अपने राइट का इस्तेमाल करें और जो जनता तय करेगी उसके हिसाब से वही व्यक्ति असेंबली में पहुंचेगा। प्लान्स अभी तो जो होगा वो मंशूर तो हमने पहले ही डिस्क्लोज किया, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं कि हमारा मुद्दा है कि हर एक ग्राउंड लेवल पर किसी भी पंचायत में आप देखें, असेंबली सेगमेंट में देखें, सड़क पानी बिजली रोड के साथ साथ एजुकेशन अपग्रेडेशन और स्कूल, उसके साथ ही यानी कि जो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट और करप्शन फ्री डेवलपमेंट हो और हर एरिया की यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ भाईचारा रहे, प्यार रहे और उसके साथ ही उनकी जो लोगों की परेशानियाँ चाहे हॉस्पिटल सेक्टर से हो, एजुकेशन सेक्टर से हो और हेल्थ सेक्टर के साथ साथ ही उनमें जो बेरोजगारी नौजवान युवा बेरोजगार हैं उनसे रिलेटेड हो, उनकी परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी परेशानियों को रिड्रेस करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। तो इंतजाम तो ये इनका डोमेन है, उनको देखना है, उनके हिसाब से तो ठीक है, जो जनता बोलेगी उसके हिसाब से ठीक है। इसके बारे में तो मेरे को लग रहा है फिलहाल तो ठीक ही है। पानी वगैरह की अगर व्यवस्था की होगी तो सिक्योरिटी तो उनका डोमेन है सर। अगर कोई हाइपर सेंसिटिव जोन है तो उन्होंने देखना है, कोई नॉर्मल पोलिंग बूथ है जहाँ नॉर्मल पीसफुल पोलिंग बूथ है तो उस हिसाब से वहाँ वैसी सिक्योरिटी होगी। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि रामबन जैसे पोलिंग स्टेशन में कोई सिक्योरिटी में इतनी कोई प्रॉब्लम। हमारे मैंने FIR SHO पुलिस स्टेशन कंसर्न रामबन को भी दी हुई है, जो फेक प्रोपगंडा उन्होंने चलाया उसके पहले भी एक कंप्लेंट मैंने फाइल की थी। अगर उन्होंने FIR नहीं लाज की होगी तो वेरी अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन 18 के बाद 19 तारीख भी होती है, 19 के 20 भी आएगी। ये याद रखना, जो भी व्यक्ति गलत भ्रमित और दुष्प्रचार करके समाज की एकता खंडता संप्रभुता और सामाजिक जहर फैलने के लिए काम किया है इन्होंने, उनको ये जनता माफ़ नहीं करेगी, ना ही कानून माफ़ करेगा। इसके साथ ही जो देखेंगे आप तो रात भर कल जो जिस तरह से शराब की तस्करी हुई और जिस तरह से शराब पकड़ी गई और पुलिस यानी कि जिस तरह से काम करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं किया, लोग खुद आके गाड़ियाँ पकड़ने लगे, गाड़ियाँ रोकने के लगे, पैसे कैश पकड़ने लगे, उसके बाद पुलिस से संपर्क करके उनके खिलाफ FIR आई हुई और जो भी था वो जग जाहिर है। अगर वो वीडियो देखोगे तो उनको पता चलता है कि जो प्रत्याशी ऐसा कर रहे थे उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी।